हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आज मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग बहुत लेट हो रही है। आज तो ब्लॉग जो चल रहा है शाम के 5 बजे चल रहा है। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग लेट इसलिए हो रही है क्योंकि आज सारा दिन हम लोग पार्लर में बिजी रहे और आज जो हमने पूरे पार्लर की है सफाई, क्योंकि पार्लर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। तो आज ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गणेश चतुर्थी की तैयारी। तो दोस्तों, कल से सभी के घर में जो है गणेश जी आएंगे, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गणेश जी कहाँ से लोग लेके जाते हैं। क्योंकि वो मैं इसलिए आपको इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि वो हमारे घर के जस्ट पीछे है, जहाँ पे मूर्तियां बनती है गणपति बप्पा की। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। फेशियल भी था आज, मैंने किया था हाइड्रा फेशियल, जिसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि काफी कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग उनका ब्लॉग बनाए। तो इसको ढकने का कारण ये है क्योंकि आज हमने ऊपर पूरी सफाई की है, डस्टिंग की है, तो इसलिए अभी जो हमने ढक ढुक के रखे हैं। कर्टन्स धोने डाल दिए हैं, स्टेला मेरे साथ बैठी मेरी पूंछ, और कर्टन धो के अभी मशीन में डले हुए हैं, अभी इसमें सुखाने डालना है। तो दोस्तों, पार्लर की सफाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो है कुछ ही दिनों बाद हमारा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना हम धीरे धीरे सफाई करें, क्योंकि फिर एक साथ करवा चौथ का काम, फिर नवरात्रों का काम, तो क्या है शेड्यूल बिजी हो जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग जो है सफाई करना शुरू कर दिया है, और अभी मैं और दादी जाएंगे देखने। और आज कितने ढेर सारे कपड़े धुले थे, तो मैंने भी बहुत सारे कपड़े धो के डाल रखे हैं। तो अभी जो है पर्दे में सुखाने डालती हूँ, फिर दादी और मैं जाएंगे गणेश जी की मूर्तियाँ देखने। हम लोग चलते हैं गणेश जी को देखने। कुहू, मैं जा रही हूँ ना स्टेला को देखना, पीछे गणेश जी देखने जा रहे हैं हमारी, पीछे नहर के पीछे तेरी मैम आने वाली होगी। चल, मैं और दादी जा रहे हैं, देख के आते हैं गणेश जी कैसे लेके जाएंगे। तो फाइनली हमारे घर के पीछे की रोड बन रही है आज, तो भैया लोग सुबह से लगे हैं यहाँ काम में। कब पड़ जाएगी, कल पड़ जाएगी रोड जय जी? वहाँ से जाओ, यहाँ से गाड़ी बहुत लुढ़क रही हो, देखो कितने लोगों की। वहाँ से जाओ, अरे वहाँ से जाओ ना। चल, अभी देखने आई है हमारे साथ, तो अभी रोड बन जाएगी तो बढ़िया हो जाएगी। क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहा है यार वो। तो फाइनली रोड बनेगी, इतनी खराब हो रखी थी हमारे घर के आगे की रोड, वो देखो लड़कियां भी स्कूटी निकाल ले रही हैं यार। उसके बाद बनेगी इधर की रोड जहाँ से आ रहे पीहू लोग। अरे सरोज आंटी जी हैं, फटाफट आओ। अगर घर के अंदर एक भी कीचड़ का पैर छपा होगा ना तो कौन पिटेगा संजना? कोई बात नहीं, तुम्हारी ट्यूशन की वजह से मैंने वाली रोड भी बनवा दी, इसके बाद वहीं की बारी है। हमने भी वीडियो बनाई, किचड़ में गिरे थे ना तुम, तभी तो बनाई। फिर जल्दी आओ यार। तो ईजा और मैं जाएंगे वहाँ गणेश जी देखने, सासू माता जी को लेके जा रही हूँ। बाहर खोल के नहीं जा सकती, अंदर कीचड़ देख जरा, हाँ थप्पड़ लगाऊंगी यहाँ। अब यहाँ से वहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो जरा देख आते हैं गणेश जी यार, जल्दी आओ। ईजा का और मेरा पंगा चल रहा है, सुन लिया ईजा ने, आओ जल्दी आओ। अब चौड़ी की तिल रहन दो, और स्टेला होगी जब वहाँ। स्टेलू अब मत डालो यार, भैया ऐसे मत डालना, पचल अंदर कुत्ता हुआ ना, नहीं होगा, मत डालना ऐसे। चलो छोड़ो, क्या करना, यहीं से ठीक आ। रोड चौड़ी कितनी लग रही है देखो, हवाई जगह तो नहीं है इधर, वो देख लो भाई। तो यहीं से जो आगे रास्ता जाता है वहीं बनती है खूब बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियाँ। तो शाम के टाइम इधर जो है बहुत तेज ट्रैफिक रहता है, मतलब चौराहा है ना इसमें, तो उसी से आगे जाके जो मोड़ है वहीं पे बनाते हैं भैया मूर्तियाँ। कल यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ ले जाए जाएंगे गणेश जी। तो कई लोग आज जो है रेलियों से आ रहे हैं, झंडा लेके। तो यहाँ बनाए जाते हैं गणेश जी, देखिए कितने सारे तो पैक हैं, अरे वाह पैक कर रखे हैं देखो। तो आज देख के आएंगे हम इधर जाके, कितने प्यारे बने हैं।
तो जितने आपको पैक दिखाई दे रहे हैं काली पन्नी में वो सब हैं कल जाने वाले, और बाकी सब तैयारी कर रहे हैं। आज सब तैयारी होगी, कल है ना इधर, कल ले जाएंगे ना, तो कल यहाँ से ले जाए जाएंगे। कई लोगों ने तो अभी तैयारियाँ कर ली ताकि कल सुबह सुबह आएँ और लेके जाएँ। तो आज मैं आपको दिखाने आई हूँ यहाँ पे, देखने तो देंगे ना, क्या पता मैं क्या जाओ तुम्हारे। तो यहाँ आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे गणेश जी बने हैं यहाँ। जय हो। तो यहाँ बनाते हैं मूर्तियाँ, ये हमारी दुकानों में आते हैं सामान लेने, हमारे घर के जस्ट बगल में। तो यहाँ पैकिंग चल रही है, इधर भी रखी, इन लोगों ने बना के पहले से ही रख रखे हैं। देखिए तो वैसे तो कल आप आज ही ले जाओगे भैया इन्हें, आप आज ही ले जाते हो, वैसे कई लोग कल ले जाते हैं ना। हाँ फिर कल भीड़ भी बहुत रहती है इसलिए। अब बुक पहले करा गए होंगे आप, पिछले हफ्ते आ गए थे। अच्छा ये है कि आप रख लेंगे घर में, फिर अभी ओपन नहीं करता तो सुबह करेंगे, कल सुबह पूजा पाठ करके। वो कहाँ गया? अरे भैया चलो अभी हम जुगवाहर के लिए जाएंगे, तेल डालते हैं वो ले। ये तो पहले से बुक कर दिए होंगे ना। हाँ मैम ये बड़ी बड़ी तो दो महीने पहले से चालू हो जाती है पकड़ के लिए। अच्छा साथ में छोटी भी ले जाते होंगे ना, वैसे हाँ, छोटी वैसे इतनी छोटी दे देते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। मैं बेचने आ रही नहीं हूं। अच्छा फिर आप? मैं एक्चुअली इनकी मतलब एज अ फ्रेंड आ रही हूं, जो इनकी वाइफ है जो करने वाली है भैया, इनकी वाइफ की फ्रेंड हूं मैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो। अच्छा तो आजकल हेल्प करने आ गए हो क्या? कितना सुंदर तुम बेच रही हो। कैसे लगाओ भैया, एक बार लगाओ ये कहाँ पे? अच्छा लगा हुआ है ना। हाँ इसे लगा हुआ, इसे लगा। सब वही होंगे, ये वाले हो गए रेडी। जिनमें दुपट्टा डाल रखा है वो सारी बुक है, बाकी जो, मतलब जो ढकी है, नहीं नहीं जो ढकी है वो भी बुकड है और जो नहीं ढकी वो भी बुकड है। अच्छा यहाँ सब बुकड वाली है। हाँ, इधर भी उधर भी। अच्छा वो बना बहुत ही सुंदर रखे हैं यार, ये पूजा के पापा ने बनाए हैं। हाँ। बड़े अच्छे बनाते हैं यार। 1000 से 8000 तक पड़ जाएंगे। हाँ। ये वाली यहाँ पे से। अच्छा तक लोग ले जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे जो और जो बाकी बड़ी बड़ी हैं 15000 तक की, मतलब जो ये हाँ बड़े बड़े 20 तक की पड़ रही है, इससे बड़ी। अच्छा जो कम से कम 7 फुट तक की है वो 15 से 20 तक। और छोटी वाली होंगी कम की, ये वाली जो छोटे जो ये हैं तो ये 2000 की हैं। अच्छा ये दो, और ये एकदम मिट्टी में जाके वो हो जाएंगी ना, पानी में जाके। हाँ, तो जाते हैं पानी में। कोई कोई नहीं भी घुलती यार, नहीं घुल जाती हैं, घुल जाती हैं। अभी हम मिट्टी में वो कर पर घुल जाते हैं। मैं कबूतर ही पाल रखे इन्होंने, जो पालतू हैं उड़ के यहाँ बैठ रहे हैं फिर वापस यहीं आ जाएंगे। तो अभी अभी देखो कितनी भीड़ होने लग गई। हाँ लोग आने लग गए, इतनी लग रही साइड से ना। पूजे की बहन है क्या है दीदी? हा? दीदी का है एक के तो शादी हो गई इसकी दीदी की ना। तो दोस्तों ये है गणेश जी जो कल आपको बड़े बड़े पंडालों में देखने को मिलेंगे। हाँ तो सब वो बाजार वाले भी लेके जाते हैं ना, तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना कपड़ा लाते हैं और ढक के लेके जाते हैं, दिखा के लाते हैं। आ रही। तो इधर जितने भी गणेश जी सब बुक हो चुके हैं, यानी कि आज के लिए आज लेके जाएंगे और कल इनकी पूजा होगी। तो इधर जो इस तरीके से लाल कपड़ा लेके आते हैं अपने अपने घरों से, उसके बाद गणेश जी को ढक के लेके जाते हैं, पूजा के टाइम इनका मुँह खोला जाता है। अब कल सुबह पूजा के टाइम खोलेंगे ना। हाँ।
तो इस तरीके से लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से गणेशजी। चलो वो गाड़ी तो ला रहे हो, बड़े बड़े गणेशजी हो इनमें जाएंगे, ऐसे पीछे रख के लेके जाएंगे लोग। तो इधर जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं सब गणेश जी को ले जाने के लिए। तो जितनी शाम होती जा रही है उतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, और कल तो और ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आज इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि कल बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए हॉटस्पॉट रहती है, सुबह पूजा करेंगे लोग। और कई लोग ऐसे हैं जो कल सुबह आके ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाएंगे गणेश जी। जय हो गणपति बप्पा, सबके घर में विराजमान होंगे अब गणेश जी। तो बहुत सुंदर गणेश जी बना रखे इन्होंने। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि पार्लर में आ चुके हैं क्लाइंट, और मैं ईजा को भी लेके आ गई हूँ। ईजा डांट रही, साइड चल साइड चल, रुको गाड़ी हटने दो। अरे और आ रही, रुको जल्दी चलो, अब उधर क्या देख रही हो। तो इतने सुंदर गणेश जी देखा दोस्तों, हमारे घर के जस्ट पीछे बनाए जाते हैं, और कितनी खूबसूरती का काम करते हैं लोग। अब घर जाके करना है पार्लर में काम, चलते हैं आप सीधा घर, आपको मिलूंगी मैं पार्लर में। आ गई थोड़ी कू, कौन था बेटा, कौन सी चली गई। तो आपको दिखाने के लिए मैं गई थी गणेश जी। पानी आया था क्या? अरे आ रहा क्या जब पानी हो चुकी हूँ मैं पार्लर से फ्री, और मैंने किया फेशियल। बाल देखो काम करके, ये दोनों मेरा दिमाग खा देते हैं, ना मुझे काम करने देते हैं ना जीने देते हैं चैन से दोस्तों। तो अब चलते हैं ऊपर और खाने की तैयारी। क्या है, थोड़ी सी रखी होगी कटोरी में, क्यों मुझे भूख लगी बहुत ज़्यादा है, चावल। तो चलते हैं ऊपर और करते हैं अब खाने की तैयारी, फिर करेंगे ब्लॉग को एंड।